लोकसभा चुनावों से ही पश्चिम बंगाल लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी राजनीतिक हिंसा में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ आज दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शहीद दिवस रैली के मुकाबले बीजेपी आज पब्लिक ट्रिब्यूनल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में पिछले एक साल में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी के 23 कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाया गया है। कार्यक्रम आज दोपहर बाद होना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और अलोकतांत्रिक माहौल के मुद्दे पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे परिवारों की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा ये लोग पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज से भी मिल सकते हैं। আমাদের যে সংসদে যে আঠারো জন এমপি আমি শুনলাম কি আসবে এখানে, সবাই কাছে আমি রিকোয়েস্ট বা নিবেদন করব যে আমার ভাইকে যে মার্ডার করেছে ওদের জন্য কিছু প্রশাসনকে একটু চাপ দিয়ে সিবিআই যাচ করান আর শাস্তি দেন। इससे पहले 30 मई को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्योता दिया गया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प होती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। वैसे कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इन दिनों तो पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई नाम पर ही चल रही है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब बीजेपी ने सियालदह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने सिफारिश की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के किसी भी जगह का नाम नहीं बदला जाएगा। भगवान की पूजा मंदिर में होती है या फिर सड़क पर? आप सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे हैं, तो यूपी के बागपत से एक रिपोर्ट आई है, वो आप देखिए। सड़क पर हनुमान चालीसा की पाठ की तस्वीरें यूपी के बागपत जिले की है। इलाके में सड़कों पर नमाज के विरोध में हिंदू संगठन और स्थानीय बीजेपी नेता ने मंगलवार को नेशनल हाईवे पर इस हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। बागपत में बड़ौत नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी नेता अमित राणा ने अपने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे संख्या 709B पर न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया बल्कि हनुमान जी की आरती और पूजा अर्चना भी की। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। दरअसल देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को सड़क पर नमाज के विरोध में कई संगठनों ने मंगलवार को सड़क पर हनुमान चालीसा के पाठ जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ दिन पहले ही हावड़ा और जमशेदपुर में सड़क पर हनुमान चालीसा और पाठ करने वालों और स्थानीय प्रशासन के बीच झड़प भी हुई थी।